आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी 2021 ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए जल्द होगा तारीखों का ऐलान। परीक्षा के इतने दिन पहले जारी होंगे एडमिट कार्ड्स। आर ग्रुप डी के 1.03 लाख पदों पर भर्ती के लिए रेलवे जल्द ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर सकता है। मार्च 2019 में निकाली गई इस भर्ती में 1.15 करोड़ से भी अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए तारीखों का राह देख रहे अभ्यर्थियों का इंतजार किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। दरअसल रेलवे ने एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का आयोजन पूरा कर लिया है, इसलिए यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि रेलवे जल्द ही ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए भी परीक्षा का आयोजन कर सकता है। गौरतलब है कि रेलवे ने ग्रुप डी के 1.03 लाख पदों के लिए मार्च 2019 में भर्तियां निकाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इन पदों के लिए अभी तक परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका है। साथ ही अगर आप भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और परीक्षा से पहले बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको आज ही सफलता के फ्री कोर्स से जुड़ जाना चाहिए। विज्ञापन कब तक हो सकता है तारीखों का ऐलान? इन पदों पर परीक्षा के लिए रेलवे 10 अगस्त तक तारीखों का ऐलान कर सकता है। गौरतलब है कि रेलवे ने 2019 में एनटीपीसी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए एक साथ आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी और अभी एनटीपीसी के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन करवा लिया गया है। साथ ही अभी रेलवे ने भविष्य में किसी बड़ी परीक्षा का आयोजन करने का ऐलान नहीं किया है, इसलिए रेलवे अपने संसाधनों का उपयोग ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए कर सकता है। ऐसे में यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए भी जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। इतने दिन पहले जारी होंगे एडमिट कार्ड। रेलवे अगर पिछली ग्रुप डी भर्ती की तरह इस बार भी एडमिट कार्ड जारी करेगा तो अभ्यर्थी परीक्षा से 4 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रेलवे द्वारा ग्रुप डी भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा करने के कुछ समय बाद अभ्यर्थियों को उनके प्रोविजनल एडमिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके जरिए अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की तारीख तथा शहर जान पाएंगे। प्रोविजनल एडमिट कार्ड में अभ्यर्थियों की जो परीक्षा की तारीख रहेगी, अभ्यर्थी उस तारीख से 4 दिन पहले से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इस पैटर्न पर होगी परीक्षा। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक ग्रुप डी के इन पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों से 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए उन्हें 90 मिनट का समय मिलेगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों से सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न, गणित से 25 प्रश्न, सामान्य बुद्धिमत्ता व रीजनिंग से 30 प्रश्न और सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे और गलत जवाब के लिए 1/3 अंकों की निगेटिव मार्किंग भी होगी। कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी? प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इसमें सफल होने के लिए काफी बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और सफल होना चाहते हैं, तो आपको तुरंत सफलता द्वारा चलाए जा रहे फ्री कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। सफलता द्वारा इस वक्त UPSSSC PET, SSC GD, UPSC, SBI क्लर्क समेत कई परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोर्स चलाया जा रहा है। आप इन कोर्सेज से सफलता ऐप के जरिए भी जुड़ सकते हैं और फ्री मॉक टेस्ट, ई-बुक्स जैसी अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। ये भी पढ़ें।